वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है संडे, सो हैप्पी संडे टू ऑल। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:45 और हम जो है ना यहाँ पे देखिए रेडी हो गए हैं। यहाँ पर कुछ रेडी हो रहा है और माही जो है ना नीचे चला गया रेडी होने के बाद, लेकिन अपना शूज पहनना भूल गया है। तो जो भी है, अभी हम थोड़ा सा निकल रहे हैं, नीतीश को कुछ काम है 5-10 मिनट का, और साथ में हम भी घूम के आएंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे ही बस राइडिंग करने जा रहे हैं गाड़ी पर, है ना। और साथ में चाय भी पिलाएगा, क्योंकि कल मैंने जो है ना वॉइस ओवर के चक्कर में वो मेरा फ्रिज बंद कर दिया था, और फिर दूध था वहाँ पे फ्रिज में था और कब पता नहीं फट गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि फ्रिज बंद था, तो इसलिए चाय नहीं पिया। चाय नहीं बनाया बेटा, तो माही को चाय सुनाई दिया, देखो चाय चाय करके आ गया। चल चप्पल पहन ले, जूतू जूतू पहन ले, हमारे साथ घूमने चलिए। और जो भी फ्रेंड नए हो चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो लेट्स गो। बाहर निकलने से पहले सबसे पहले जो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ अपने साथ वो है सनग्लास, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप था गाइस। यहाँ पे माही के लिए भी मैंने सनग्लास ले लिया था एंड उसका कैप भी ले लिया था गाइस, तो उसको जो है ना अपना कैप और जो चश्मा है उसको खुद से पहनना है, एंड वो कैमरे को बहुत ज़्यादा पसंद करता। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बैग ले लिया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी ले लिया हूँ इसमें, और अपना जो है ना पर्स ले लिया हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है रास्ते में सब कुछ भी मिल जाता है, लेकिन पानी जो है ना इसलिए लिया हूँ छोटा सा बॉटल, क्योंकि माई को हमेशा पानी पीना होता है। उसके बाद यहाँ हमारा जो है ना वाहन आ चुका है और हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल के ओर। तो यहाँ पे जो है ना आजकल मुझे ऐसे वाला ब्लॉगिंग बहुत ही पसंद आता है, अपने गाड़ी में जो है ना ऐसे घूमते घूमते ब्लॉग बनाना। तो जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताई थी, यहाँ पे हमारा जो मंदिर है ना, यहाँ पे लेडीज़ लोगों को एंट्री नहीं मिलती है, तो जो भी करना है भगवान का आशीर्वाद लेना बाहर से ही ले लो गाइस। लेकिन हाँ, यहाँ पे मंदिर का दरवाज़ा तो खुला ही रहता है, लेकिन एंट्री नहीं देते, क्योंकि ये जो है ना आई डोंट नो क्या है। तो यहाँ पे हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल के ओर। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा स्लो मो में दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। यहाँ पे हमारा ये है गेट अपने गांव का, एंड उसके बाद जो हम मेन रोड पे आ चुके हैं। तो चलिए गाइस, आप लोग व्यू का मज़े लीजिए, एंड जिसके मैंने पहले ही बताई थी ब्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना दिखा रहा हूँ सागर रेसिडेंस यहाँ पे बन रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे ज़मीन खाली पड़ा था, तो अभी है ना बिल्डिंग बन रहा है। तो जिन लोगों को चाहिए होगा वो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर लेना गाइस, वीडियो को थोड़ा सा पॉज में रख के। तो यहाँ पे हम मेन रोड पे जा रहे हैं, एंड सबसे अच्छी बात ये है कि माही पूरा जाने में बिल्कुल भी सोया नहीं था। कोई बच्चे होता है ना बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाते हैं एंड या फिर उसको तकलीफ़ होता है, लेकिन माही पूरा एक घंटा जो हम गए थे उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुआ था। मतलब तकलीफ़ हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, तो बहुत ही इन्जॉय किया। यहाँ पर माही को ट्रेन देखने में बहुत मज़ा आया। ये हमारा बोड़ू स्टेशन का ट्रेन गया गाइस। या अभी जो मैंने अब लोगों को ब्रिज दिखाई ना, वो थोड़ा सा टूट गया था, इसलिए अभी आधा रास्ता ब्लॉक करके फिर से नया एक ब्रिज उसके साथ बन रहा है। तो गाइस अभी नीतीश और माही चला गया है पैसे दुकान पे, पैसे लेने के लिए। माही को लगता है ये पैसे दुकान है, ठीक है, और अपने पापा से तुरंत ही बोलता है कि काट दो पापा काट दो, पैसे लेना है, ठीक है। और एक्चुअल में काली सैलरी आया था और आधा सैलरी आया है, आधा सैलरी आना बाकी है, तो इसलिए जो है ना कैश बिल्कुल भी घर पर नहीं था, तो इसलिए उठना पड़ेगा क्योंकि चाय नाश्ता कर। खड़े के वो दिया, खाली एक पैसा दिया, खाली
हाँ कार्ड टूट गया, पापा का कार्ड टूट गया, नया लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे टूट गया? अरे देखिए, हमारे बंगाल का बंगाली टिफिन सर्विस, जान आपको चाहिए? कभी मैं नहीं रहूंगा तो बंगाली टिफिन अच्छा रहेगा, उसमें पैसा रहेगा तो लोग ले लेगा नहीं। चलो गाड़ी तो माँ चलाएगा ना, पापा। तो यहाँ पर हमारा काम जो है फिनिश हो चुका था, उसके बाद हम फिर से अपना मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट लेना पड़ेगा क्योंकि ये मेन हाईवे के ओर के रास्ता। तो चलिए गाइस, हाँ वीडियो में बने रहे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. सो गाइस, यहाँ पर ये देखिए डीमार्ट शॉपिंग मॉल भी है एंड गोल्डन स्क्वायर नाम का एक थिएटर भी बना है, जहाँ पर एक बार भी नहीं गई हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो वीडियो कॉल शूट है ना, ये मेरे फ़ोन में काफ़ी टाइम से है, मैं ट्राई करने वाली थी लेकिन कभी नहीं करी। तो आज का रोड का ट्रिप था तो मैंने सोचा थोड़ा सा बना ही लेता हूँ। एंड गाइस, मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि कितना दूर जाना है, कितना टाइम ट्रैवल करना है। तो ये जो ट्रैवल कर रहे हो ना, ये मतलब बोर्ड्स टू पनौली था, काफ़ी लॉन्ग टाइम था। एंड यही गाइस मैं बोल रही थी, ये देखिए नर्मदा नदी इधर है एंड गोल्डन जो ब्रिज है ना, ये दूसरे साइड पे है। तो यहाँ पर नीचे अगर हम आते तो काफ़ी बड़ा एक जगह है घूमने का, पार्क भी है काफ़ी मज़ेदार, जहाँ पर भी मैंने एक बार गई हूँ। यहाँ पे मुझे 5 साल हो चुका है लेकिन ज़्यादा टाइम कहीं पर भी नहीं घूमा हूँ, खाली घर पे ही रहती हूँ बस, हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिलता। तो ये लोग चाय लेके आने में थोड़ा सा लेट करे, तो मैंने सोचा जो है ना थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो एक्चुअल में ये जो भी सारे शूट कर रहा हूँ ना रोड पे, ये मैं अपना फियरनेस को मिटाने के लिए, क्योंकि जो है ना कैमरे से मेरे को दोस्ती तो है लेकिन बाहर जो फियर रहता है ना, लोग देख रहे, लोग क्या सोचेंगे, ये वो सोचते सोचते मैं ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं कर पाता हूँ। तो यही सब दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो है ना माही गुस्सा हो गया था, जब वो गुस्से में होता है तो बिल्कुल भी सूट नहीं करने देता है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं देखने देता है। तो यहाँ पे नीतीश माही को समझा रहा था कुछ चीज़ के लिए, मैं अब आगे बताती हूँ। उसको पानी पूरी खाना था इसीलिए जो है ना हम नहीं देना चाह रहे थे। तो यहाँ पे ये ब्रिज जो है ना काफ़ी डिज़ाइन अच्छा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया हूँ। एंड उसके बाद फिर से हम पनौली के रास्ते में चल पड़े। उसके बाद यहाँ पे हमारा वाहन का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, हम आ गए थे यहाँ पे वाहन का पेट्रोल भराने के लिए। और यहाँ पे जो है ना एक टूरिज्म का गाड़ी खड़ा था, तो पहले मुझे लगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया था इतना, तो मुझे लगा कि शादी वाला जो गाड़ी होता है ना वही वाला। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया हूँ। एंड नीतीश और माही जो है पेट्रोल भरा रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे घूर रहे थे, इसलिए मेरे हाथ से भी निकल गई गाइस। तो यहाँ पे मैं आगे चल पड़ी हूँ शूट करने के लिए। लेकिन इतना हवा चल रहा है तो तुम हमारे वाहन का पेट्रोल भर चुका है और हम जो है ना निकल पड़े पीछे। तो
गाइस हम पहुंच चुके हैं। तो ये गाइस यहाँ पे जो है ना एक बैंक बन रहा था, तो यहाँ पर नीतीश को काम मिला है एंड यहीं पे उसको जो है ना बात करने आना था। तो बस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और नीतीश जो है ना यहाँ पे माही को पैसा दे रहा था कुछ खाने के लिए। यहाँ पे एक छोटू सा शॉप था, तो यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे वेट कर रहे बाहर एंड वो चले गए थे अंदर। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और नीतीश चला गया अंदर और अभी माही को है ना चिप्स खिला देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं। यहाँ पे एक दुकान है छोटा सा, वाह। और कुछ है भाई? कुरकुरा खाना तो यहाँ पे काफ़ी सारा लड्डू था, मिठाई जैसा कुछ बहुत सारा था खाने का चीज़। तो यहाँ पे मैंने एक लड्डू ले लिया हूँ एंड माही के लिए एक और जो है ना कुरकुरे ले लिया था, तो इसको जो है बैठा दिया हूँ यहाँ पे। लेकिन जो है ना वो धूप में रखा गया है, छाप की तरफ बिल्कुल नहीं रखा है। तो थोड़ा टाइम घूम गए हैं, बैठे थे एंड उसके बाद थोड़ा सा खड़े हो गए थे क्योंकि काफ़ी धूप तेज था एंड जो है ना पौधा लगा था लेकिन पत्ता ही नहीं है, काफ़ी छोटा छोटा भी था। तो यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा था भाई। तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने कुरकुरे को। मम्मी ने क्या लिया? लड्डू। फिनिश हो गया, आप पानी पियोगे? क्या खाया था तुमने? कुकुरा और चिप्स। तो यहाँ पे हम चल पड़े फिर से अपने घर के ओर एंड गाइस मुझे तो सोच के रोना आ रहा था, जितना टाइम हम आए थे उतना टाइम फिर से हमें सफ़र करके जाना पड़ेगा एंड हर रोज़ जो है नीतीश यही काम करता है, इतना दूर दूर भागता है रहता है। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना तकलीफदायक है क्योंकि धूप इतना तेज़ रहता है एंड मुझे तो समझ पड़ी एक ही दिन में ही, क्योंकि बोलते हैं ना जब तक आप खुद से रियल ले में अपना अनुभूति नहीं लेंगे तो तब तक उस चीज़ का पता नहीं चलता है। यहाँ पे हम एक दुकान पे रुके थे क्योंकि जाते हुए मुझे ने देखा था यहाँ पे काफ़ी सारे डॉल टॉयज था। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ बहुत शॉर्ट्स भी बनाए थे एंड साथ ही साथ कुछ खरीदे भी थे, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या लिया था। तो जो है ना गाइस यहाँ पे मैंने एक मंकी लिया हूँ एंड एक दिल भी लिया था और एक बड़े टॉय के लिए भी मैंने जिद करी थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये लड़का बोल रहा था कि इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं, तो बस मैंने वो ही ट्राई कर ली थी कि सच में कम्फर्टदायक है कि नहीं। तो ये काफ़ी छोटा है बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो
तो यहाँ पे हमारा जो है ना शॉपिंग कंप्लीट हो गया था और जो है ना इसको पैक करके दे रहे थे। एंड यहाँ पे मुझे जो है ना गन्ने का जूस देखा तो मैंने सोचा गन्ने का जूस ही पी लेते क्योंकि गला जो है ना बहुत ज़्यादा सूख रहा था एंड कोई हैवी नाश्ता भी नहीं करा हमने, खाली काम से गए और काम कल के बस आ गए थे। तो यहाँ पे जो है ना फिर मुझे याद आया कि कुछ लेना तो बाकी रह जा रहा था। फिर जो है ना माई को गोनू दिखा रहा था नीतीश, यहाँ पे गणेश पूजा के बाद यहाँ पे रखता है। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कुछ छूट रहा था क्योंकि रिया का बर्थडे था और मैं भूल गई थी कुछ लेना एंड सारे पैसे जो है ना मैंने अपने में ही खर्च कर दिया। तो इसलिए बेबी के लिए छोटू सा एक टेडी ले लिया हूँ यहाँ पे और उसको जो है ना मैंने छुपा के रख लिया क्योंकि माई को छोटा छोटा चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आता है तो कहीं ना रो दे इसीलिए उसको छुपा के रख दिया था। फिर हमने यहाँ पे गन्ने का जूस भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, माई तो काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने घर के लिए। यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है, लेना तो था बहुत कुछ लेकिन लेके कैसे जाएंगे यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पे देखिए हम घर के पास आ गए थे, थोड़ा सा ही दूर बाकी था। तो यहाँ पे तरबूज दिख गया था तो मैंने सोचा तरबूज ही ले लेते क्योंकि गर्मी के सीज़न में तरबूज हमारा ये पहला है। तो जो है ना यहाँ पे माई पैसे देने के लिए रोड था लेकिन अंकल इतना दूर था माई नहीं दे सकती। माई छोटे छोटे बच्चे को खाली खाली गोदी करने की कोशिश करते हैं इसलिए उसका पापा एक बड़ा सा टेडी दे दिया और देखो इसको भी गोदी नहीं कर पा रहा। और घर के गेट के पास देखिए एक दुकान आया था प्लास्टिक का, वहाँ से मैंने ये लिया ये टेप और ये नमक का डिब्बा। नमक का डिब्बा है मेरे पास लेकिन है ना काफी पुराना हो गया और हालात भी खराब हो गए तो ये काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो गाइस यहाँ पे मैंने चावल भी बिठा दिया एंड सब्जी जो है गरम कर रहा हूँ। तो रात को फिश बना था तो वही जो है ना अभी गरम करके खाने वाले हैं, इसलिए हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया था। काफ़ी लोग सोचते थे इतना लंबा सफ़र था लेकिन कहीं खाना नहीं खाया तो इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि घर पे ऑलरेडी था, अगर हम बाहर से खा लेते तो ये ख़राब होने वाला था। और फिश जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे जो है चावल भी बन चुका है, पानी भी निकाल लिया हूँ। पानी निकाल क्यों गोले मारो? तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? क्यों? क्या कुछ मैं तुमको बोला कि थाली ले चलो, तुम मुझे डिस्काउंट मार रहे हो माई? एम नहीं करे और देखो देखो टेडी गिर गया, क्यों गिरा दिया? टेडी रो रहा है, जाओ और उसका चेयर भी उठा दो, चेयर में बिठा दो उसको। यहाँ पर हमारा खाना बन चुका था, रेडी हो चुका था एंड यहाँ पे हम खाना भी खाना स्टार्ट कर दे रहे थे गाइस। एंड माही जो है ना टेडी को भी साथ में लेके बैठ गया था क्योंकि उसको भी खिलाना था। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फ़ोन देख देखते खाना खाना पसंद करता है लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं देते लेकिन कभी कभी देना ही पड़ जाता है उसको खिलाने के लिए। तो यहाँ पे फिश के साथ जो है ना हमने रोटी खाया, चावल खाया। उसके बाद अपन उनको जो है ना नीतीश यहाँ पे जो तरबूज लाया था वही हम यहाँ पे खा रहे हैं। बोलो हैप्पी बर्थडे रियू। चलो मोनू का दादा हाथ में दो, मोनू के हाथ में दो, हाथ में दो, ये आज था रिया का बर्थडे जो माही अभी अभी केक खा के आया है और रिया की मम्मी ने आजा। बर्थडे फिनिश।